तो आज हम सर्वाइव करने वाले हैं 100 डेज एक एड ओनली वर्ल्ड में। ये बहुत ज्यादा रिक्वेल होने वाला है क्योंकि यहाँ पे बेसिक चीज है जैसे कि एक क्राफ्टिंग टेबल बनाना भी इम्पॉसिबल होने वाला है। और इस वीडियो को थोड़ा और टिकल बनाने के लिए अपने पास कुछ गोल्स भी है। सो अपना पहला गोल हमारे लिए बहुत ही ऑसम सा डायमंड का आमन लेना, अपना दूसरा गोल हमारे लिए एक एंड हाउस बनाना एंड फाइनली एंडर ड्रैगन को डिफीट करना। चलिए इस वीडियो को जल्द करते शुरू और देखते कि क्या हम सर्वाइव कर पाए 100 डेज इन एंड ओनली वर्ल्ड इन माइनक्राफ्ट हार्डकोर। टुडे वन कम लोग स्पॉन हुए अपने इस एंड वर्ल्ड में एंड यार हमें दूर दूर तक बस वॉइड एंड बहुत सारे एंडरमैन ही दिख रहे थे। एंड यार सामने में हमें एक पोर्टल दिख गया जहाँ से हम लोग एंडर ड्रैगन को डिफीट करने तो जा सकते थे, लेकिन अपने पास अभी आर्मर ही नहीं है। तो फिर इसका मतलब ये था कि हमें अभी पावरफुल होना पड़ेगा, काफी सारे आर्मर गैदर करने पड़ेंगे एंड उसके बाद हम लोग जा सकते हैं उसको डिफीट करने के लिए। तो सबसे पहले तो हम लोग नीचे देख के चल रहे थे जैसे कोई भी एंडरमैन हम लोग को हमला ना कर दे एंड उसके बाद हमने एक छोटा सा एरिया बिल्ड किया जहाँ से हम लोग एंडरमैन को इजिली मार सकते हैं। एंड यार इसके बाद हम लोग को चाहिए था एक चारा जो कि एंडरमैन को बुला सके, तो मैंने ये काम भाई को दिया एंड उसने बहुत ही मेहनत से काफी सारे एंडरमैन को बुलाया एंड मैंने पीछे से उनको मार दिया। एंड फिर हमने काफी देर तक यही किया और बहुत सारे एंडरपल कलेक्ट कर लिए। तो काफी सारे एंडरमैन मारने के बाद हम लोग के पास यहाँ पे इन टोटल 9 एंडरपल हो चुके थे जो कि बहुत ज्यादा है। एंड यार आप सोच रहे होंगे कि हम लोग को एंडरपल चाहिए क्यों, तो देखो यार ये एक एंड ओनली वर्ल्ड है एंड यहाँ पे हर जगह तो वॉइड है एंड इसीलिए हम लोग को ट्रैवल करने के लिए एंडरपल की जरूरत पड़ने वाली है। तो मैंने यहाँ पे थोड़े बहुत एंडरपल भाई को दे दिए, मैंने कुछ खुद भी रख लिए एंड उसके बाद हम लोग चले गए काफी सारा खाना कलेक्ट करने के लिए। और अगर तो आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि एंड में आपको खाने की ज्यादा चॉइस नहीं मिलती, मतलब सच बताओ तो बस एक ही खाना है जो कि है कोरस फ्रूट। तो काफी सारे कोरस फ्रूट कलेक्ट करने के बाद हम लोग चले गए एक एंड सिटी ढूंढने के लिए। और हाँ बीच में बहुत बार वॉइड भी आया था जिसको हमने एंडरपल से पार कर लिया। तो फाइनली बहुत देर की भटकने के बाद हम लोग को एक एंड सिटी मिल गया था, लेकिन यार ये बहुत ज्यादा दूर था। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने एक सामने वाले आइलैंड पे यहाँ पे टेलीपोर्ट किया, लेकिन तब तक हम लोग के सारे एंडर पल खत्म हो गए थे तो हमने और एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बिल्ड किया एंड बहुत सारे एंडर मैन मार लिए। एंड यार इनर पल्स कलेक्ट करने के बाद हम लोग चले गए दूसरे वाले एंड सिटी पे एंड इस बार हम लोग इजिली उसको पार कर गए। पर यार यहाँ पे हम लोग का स्ट्रगल ना खत्म नहीं होता है क्योंकि देखो एंड सिटी में रहते हैं बहुत सारे शल्कर जो कि हम लोग को इजिली वन हिट मार सकते हैं। तो हम लोग बहुत ही ज्यादा सावधानी से एंडर पल की हेल्प से उसके ऊपर चले गए। और यार सच बताओ तो ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस था क्योंकि मैं बहुत बार मरते मरते बचा एंड यहाँ पे हम लोग को एक भी चेस्ट भी नहीं मिला। तो यार इसके बाद हम लोग चले गए डायरेक्टली एंड शिप पे क्योंकि वहाँ पे डेफिनेटली हम लोग को थोड़े बहुत लूट एंड एक लाइट्रा मिलने वाली थी। पर यार यहाँ पे भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था मामला क्योंकि यहाँ पे भी एक शल्कर था जो कि हम लोग को मारने पे तला हुआ था। तो जब तक ये भाई को एम कर रहा था तब तक मैंने इसको थोड़े बहुत डैमेज दिया एंड जल्द से सारे चेस्ट के लूट को ले लिया। एंड फिर मैंने इलाइट्रा को भी ले लिया और उसके बाद हम दोनों ही चले गए यहाँ से बाहर जैसे कि हम लोग को शल्कर मार ना दे। और जैसे कि आप देख सकते हो मैं ये पूरा काम दो हार्ट पे कर रहा था, मतलब बस शल्कर का एक हिट और हमें ये पूरा वर्ल्ड डिलीट करना पड़ता। पर यार जैसे कि आप जानते हो कि हम दोनों बहुत बड़े वाले प्रो है तो हमने इजिली शल्कर से सारे लूट को ले लिया एंड आप देख सकते हो कितनी ज्यादा ऑसम लूट है। मतलब यार लिटरली अपने पास डायमंड्स है, एमरल्ड्स है एंड यहाँ तक कि पिकैक्स एंड स्वॉर्ड तक है। मतलब यार अब हम लोग इजीली ब्लॉक्स माइन कर सकते हैं एंड हम लोग का काम काफी ज्यादा इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पे बहुत सारा खाना कलेक्ट कर लिया, देन हमने यहाँ पे बहुत सारे ब्लॉक्स को भी कलेक्ट कर लिया। अब ये जैसे कि अपने पास काफी सारे ब्लॉक्स थे तो हमने यहाँ पे एक छोटा सा शेल्टर बनाया, फिर एंडरमैन को बुला के बहुत सारे एंडरपल कलेक्ट कर लिए। मतलब देख रहे हो प्रोनेस की कमी नहीं है, अपने पास बहुत ज्यादा प्रोनेस है, बस यार सब्सक्राइबर की कमी है। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो एंड हम लोग को हेल्प करो 1 मिलियन रीच करने पे। तो भाई बहुत सारे एंडपल्स कलेक्ट करने के बाद हम लोग दोबारा से चले गए एक एंड सिटी के तलाश में एंड उसको लूटने के लिए। मतलब यार क्या ही कर सकते हैं, हम लोग को पावरफुल बनना है और यहाँ पे पावरफुल बनने के लिए आप बस एंड सिटी को लूट सकते हो। तो सामने हम लोग को और एक एंड सिटी मिल गई थी एंड इसमें बहुत अच्छा लूट था, मतलब लिटरली यहाँ पे काफी सारे चेस्ट है एंड उसको हमने जल्दी से लूट लिया। एंड यार इस बार तो हमने सारे जगह को बंद भी कर दिया क्योंकि पिछली बार हम लोग शल्कर से मरते मरते बचे थे। फिर जस्ट थोड़ी दूर बाद हम लोग को और एक चेस्ट मिल गया था एंड यहाँ पे तो एक एंड चेस्ट भी था तो उसको हमने ले लिया एंड उसके बाद हम लोग चले गए एंड शिप पे। एंड फाइनली अपने पास यहाँ पे दूसरा लाइटर भी आ चुका था एंड इसका मतलब अब हम लोग उड़ सकते हैं। हाँ वो अलग बात है कि अपने पास फायर बॉक्स ही नहीं है, लेकिन यार अब है तो इलाइट्रा। और यार अब बाकी सामान को भी देख सकते हो, अपने पास बहुत ही ओपी सामान है जैसे कि अपने पास प्रोटेक्शन 4 का बूट्स है एंड थोड़े बहुत पिकैक्स एंड स्वॉर्ड है। तो सारे फालतू के सामान को एंड चेस्ट में रखने के बाद हम लोग दोबारा से चले गए एक एंड सिटी को ढूंढने के लिए। एंड यार इस बार तो हम लोग उड़ते उड़ते जा रहे थे, हाँ मतलब ब्लॉक्स लगा के यार, एंड हम लोग को फाइनली एक एंड सिटी भी मिल गया था। तो इस तीसरे वाले एंड सिटी से हम लोग को यहाँ पे एक प्रोटेक्शन 4 का डायमंड का लेगिंस मिल गया था, लेकिन यार मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि अपने पहले वाले लेगिंस में कर्स ऑफ बाइंडिंग था तो भाई ने यहाँ पे मुझे मार मार के उस कर्स ऑफ बाइंडिंग के लेगिंस को तोड़ दिया। और यार इसमें बहुत ज्यादा टाइम लग गया था, लेकिन फाइनली आयरन के लेगिंस को तोड़ के मैंने यहाँ पे डायमंड का लेगिंस पहन लिया और अब हम लोग और भी ज्यादा प्रोटेक्टेड है।
तो ऐसे करके हमने यहाँ पे और भी एन सिटीज को लूटा एंड एक एन सिटी में तो हम लोग को डायमंड का स्वॉट तक मिल गया था जो कि बहुत ही ज्यादा ऑसम था। तो फिर सारे चीजों को लूटने के बाद एंड फाइनली तीसरा इलाट्रा लेने के बाद अब हम लोग का टाइम था एक जगह ढूंढने का जहाँ पे हम लोग रह सके। तो काफी देर एंड में ढूंढने के बाद हम लोग को ये तो पता चल गया था कि एंड में कोई भी सेफ जगह है ही नहीं क्योंकि यहाँ पे हर जगह एंडर मैन स्पॉन होते रहते हैं। तो सामने हमें यहाँ पे एक प्लेन एरिया मिल गया एंड हम लोग वहीं पे रुक गए एंड देन सारे सामान को चेस्ट में रखने के बाद हम लोगों ने एक छोटा सा घर के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। तो यार अपना घर यहाँ पे बन के हो चुका था रेडी एंड यहाँ पे हम लोगों ने थोड़े बहुत चेस्ट भी प्लेस कर दिए एंड अब ये बहुत ही ज्यादा ऑसम लग रहा था। तो जैसे कि आप देख सकते हो हमने यहाँ पे एंड्रॉइड का यूज किया है विंडोज बनाने के लिए एंड हमने यहाँ पे एक एंडर ड्रैगन हेड भी लगाया जो कि बहुत ही ज्यादा ऑसम लग रहा है। एंड अभी तो ये एक टेम्पररी घर है क्योंकि हम लोग का एंडरमैन से बचना था एंड हमने यहाँ पे एक छोटा सा घर बना लिया लेकिन बाद में हम लोग बहुत बड़ा घर बनाने वाले हैं। तो यार इसके बाद हमने सोचा कि हम लोग को और भी ज्यादा पावरफुल बनना है जैसे कि हम लोग को कोई भी एंडरमैन छू ना सके एंड इसके लिए हम लोग को चाहिए था डायमंड का आर्मर। तो दोबारा से हम लोग चले गए एन सिटी लूटने के लिए। मतलब यार हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने पास करने के लिए कुछ नहीं है ना। तो बहुत देर भटकने के बाद फाइनली हम लोग को एक और एन सिटी मिल चुका था एंड इसमें भी बहुत ही ज्यादा ऑसम ऑसम लूट थी तो उसको भी हमने जल्द से कलेक्ट कर लिया एंड इसके बाद हम लोग दोबारा चले गए और एक एन सिटी लूटने के लिए। एंड इसके बाद हमने और भी बहुत सारे एन सिटीज लूटे जब तक अपने पास फुल डायमंड का आर्मर नहीं हो गया। और यार फाइनली बहुत देर की मेहनत के बाद हम लोग के पास फुल डायमंड का आर्मर था एंड यार इसमें बहुत ज्यादा टाइम लग गया। देन हम लोग फाइनली अपने घर चले आए एंड आप देख सकते हैं अपने पास कितनी ज्यादा ऑसम लूट है। मतलब लिटरली यार अपने पास इतने सारे डायमंड आयरन एंड बहुत कुछ है लेकिन यार हम लोग इसका कुछ कर नहीं सकते। तो यार अभी के लिए हम लोग के पास जो भी बेस्ट आर्मर का कॉम्बिनेशन हो सकता था उसको हमने पहन लिया एंड अब हम लोग बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं। फिर यार हमने सोचा कि कितनी देर तक हम लोग मैनुअली एंडरमैन को बुलाते रहे एंड उसको मारते रहे, हम लोग को चाहिए एक ऑटोमेटिक वे ऑफ फार्मिंग। तो हमने अपने ओपी से बिल्ड के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले हमने एक आयरन का ट्रैप डोर एंड प्रेशर प्लेट बनाया एंड उसके ऊपर जब भी आप चलोगे तो वो अपने आप बंद हो जाएगा और एंडरमैन नीचे गिर जाएंगे एंड इसी चीज को यूज करके हमने एक इजी एंडरमैन फार्म बना लिया। फिर यार हमने यहाँ पे एक एंडर माइट को स्पॉन करने की कोशिश की एंड ये फाइनली स्पॉन हो भी चुका था। फिर हमने इसको ट्रैप कर लिया एंड उसके बाद यार एंडरमैन यहाँ पे स्पॉन भी हो रहे थे, नीचे भी गिर रहे थे और अपना ट्रैप काम भी कर रहा था। मतलब देख रहे हो दिमाग की तो कमी अपने पास है नहीं, दिमाग अपने पास बहुत ज्यादा है यार। ओके तो काफी ज्यादा अपनी तारीफ करने के बाद हमने यहाँ पे बहुत सारे ब्लॉक्स को तोड़ दिया एंड एक एरिया बना लिया जहाँ पे हम लोग एंडरमैन को हार्वेस्ट कर सके। मतलब यार मार सके, मतलब दिल की बात समझा करो भाई। काफी देर तक ऐसे एंडरमैन मार के हम लोगों ने काफी सारे एंडर पर्ल एंड एक्सपी कलेक्ट कर लिए थे। अब यार वो टाइम आ चुका था जो कि हम लोग डे वन से वेट कर रहे थे, वो था एंडर ड्रैगन रिफीट करने का एंड इसके लिए हमने यहाँ पे पोशन ऑफ हीलिंग ले ली, बहुत सारे एंडर पल्स ले लिए, खाना ले लिया एंड ब्लॉक्स ले लिया एंड फिर चले गए हम लोग पोर्टल की तरफ जहाँ पे हम लोग को एंडर ड्रैगन को डिफीट करना था। एंड जैसे कि अपने घर के पास ही पोर्टल था तो हम लोग बहुत ही इजीली पहुंच गए थे एंड अब हम लोग को यहाँ पे एंडर पल्स थ्रो करना था एंड हम लोग पहुंच जाएंगे एंड डायमेंशन में डायरेक्टली। मतलब यार देखा जाए तो ये भी एंड डायमेंशन है लेकिन यहाँ पे बस एंडर ड्रैगन स्पॉन नहीं होता तो हम लोग को एंडर ड्रैगन वाले एंड डायमेंशन में जाना है। तो फिर जल्दी से यहाँ पे आने के बाद हमने सारे क्रिस्टल्स को डायरेक्टली फोड़ना स्टार्ट कर दिया एंड ये हमने किया एंडर पल की हेल्प से। और यार एक बात तो मैं यहाँ पे मरते मरते बचा, मतलब यहाँ पे मेरा एंडर पल गलत हो गया था और मैं बस दो हार्ट पे बचा था। मतलब लिटरली दो हार्ट और जाते और हमें ये पूरा वर्ल्ड डिलीट करना पड़ता। बट लकीली हम लोग सर्वाइव कर गए एंड सारे क्रिस्टल्स फोड़ने के बाद एंडर ड्रैगन भी नीचे आ गया था एंड इजिली इसको धीरे धीरे करके हमने डिफीट कर दिया। मतलब सच बताओ तो इसको डिफीट करना हर बार बहुत ज्यादा ईजी रहता है एंड इसका एंड एनिमेशन यार इतना ज्यादा ऑसम है कि क्या बताऊं। फिर इसके मरने के बाद बहुत सारे लेवल्स भी ड्रॉप हो चुके थे जिसको हमने कलेक्ट कर लिया। बस इस लेवल का हम लोग क्या करें वो हमें पता नहीं है। और हमने यहाँ पे पोर्टल को भी बंद कर दिया क्योंकि हम लोग एंड के वासी है तो हम लोग ओवरवर्ल्ड में नहीं जा सकते एंड हम लोग को एंड में ही रहना पड़ेगा। और अब बस एक ही काम था, एंडर ड्रैगन के एग को लेने का एंड यहाँ से निकलने का। लेकिन उससे पहले हमने थोड़े बहुत और भी काम कर लिए, जैसे कि हमने यहाँ पे टॉर्चेस ले लिए जो कि हमें कभी भी एंड में मिल नहीं सकता है एंड थोड़े बहुत आयरन के बाल ले लिए जो कि हम लोग को घर बनाने में काम में आएगा। एंड फिर पोर्टल की मदद से हम लोग दोबारा से अपने घर वापस चले आए एंड रास्ते में हमें यहाँ पे थोड़े बहुत और भी ज्यादा एंड शिप मिले थे लेकिन यार उसको हमने अवॉइड कर दिया एंड डायरेक्टली अपने घर चले गए। अब यार हमें एक बहुत ही ज्यादा ऑसम सा घर बनाना था लेकिन उसके लिए अपने पास मटेरियल ही नहीं थे तो हम लोग चले गए एक पूरे एंड शिप को तोड़ने के लिए। पर उससे पहले हमने अपने घर में बहुत सारे यहाँ पे आयरन के रॉड्स लगा दिए जो कि बहुत ही ज्यादा ऑसम लग रहा था एंड यार अपने पास यहाँ पे 8 टॉर्चेस भी थे जो कि हम लोग को इस वर्ल्ड में कभी भी नहीं मिल सकता है एंड इसका मतलब ये 8 टॉर्च हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रीशियस है। तो यार इसके बाद हम लोग चले गए अपने शिप के ऊपर एंड इस पूरे शिप को हमने तोड़ लिया।
तो यार पूरे एंड सिप को लूटने के बाद हम लोग के पास यहाँ पे बहुत सारे मटेरियल्स हो चुके थे एंड जल्दी से हमने अपने घर के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। तो भाई अपना घर बन के यहाँ पे हो चुका था रेडी, जो कि बहुत ही ज़्यादा ऑसम लग रहा था। एंड उसी के साथ ही साथ हमने यहाँ पे एक एंडर ड्रैगन एग के लिए श्राइन बना दिया एंड यार ये भी बहुत ही ज़्यादा मस्त लग रहा था। एंड अगर आप सामने से देखोगे एंड साइड से देखोगे तो यहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारे एंड रॉड्स का यूज़ किया, अपने आयरन बार्स का यूज़ किया एंड यहाँ तक कि ग्लासेस का भी यूज़ किया है। अंदर अपने पास यहाँ पे बहुत सारे चेस्ट भी है जहाँ पे हम लोग सारे सामान को रख सकते हैं एंड ऊपर में भी अपना फ्लोर है जहाँ पे हम लोग सो सकते हैं, लेकिन यार एंड में अपने पास बेड ही नहीं है। भाई हमें तो ये घर बहुत ज़्यादा ऑसम लगा, आपको कैसा लगा? 10 में से आप इसको कितना रेट देना चाहोगे कमेंट डाउन करके ज़रूर बताना। तो यार ऐसे करके अपने 100 यहाँ पे हो चुके थे कंप्लीट, हमें तो भाई बहुत ज़्यादा मज़ा आया, आपको कैसा लगा कमेंट डाउन करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर देना एंड ये सब वीडियोज़ भी आप देख सकते हो, ये भी बहुत ही ज़्यादा ऑसम है। तब तक के लिए बाय बाय।